अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोट वर्ल्ड। एक बार फिर हूँ मैं रिच गोट फार्म उमरा में और फिर से कवर करने आया हूँ इनके न्यू लॉट को। तो आइए अमजद भाई से मुलाकात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, अपना जो पहले वीडियो गया था कैसा रिस्पॉन्स था मार्केट से? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। अच्छा रिस्पॉन्स था, हाँ। क्योंकि ऑलमोस्ट अपना ये जो लॉट अभी दिख रहा है ये पूरा न्यू लॉट दिख रहा है, मतलब उसके बाद आपने दो तीन बार। ये पूरा न्यू लॉट है, इसमें जो हमारा जो पहला लॉट था लगभग 180 जानवरों का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 से 6 दिन में काफ़ी निकल गए थे। अभी ये जो नया लॉट आया है ये हमारा 190 बकरों का लॉट आया है। माशाल्लाह, हाँ। इसमें ज़्यादातर मीडियम रेंज के बकरे हैं, 40 to 65 के रेंज के हैं। तो ये अच्छी बात है कि मीडियम रेंज के बकरे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉल और कॉमेंट्स आप पढ़ोगे तो लोग मीडियम रेंज की 50 के आसपास के ही ज़्यादा पूछते हैं। हाँ, बस वही देख के हमने जो है इस बार ज़्यादातर मीडियम रेंज के बकरे उतारे हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास बड़े बकरे भी थे जो कुछ निकल गए और कुछ है हमारे पास, 4-7-8 बकरे अभी भी हैं जो 70+ हैं, 70-75+ बकरे अभी भी हमारे पास हैं। ओके। लेकिन ज़्यादातर जो इस लॉट में अगर आप देखोगे चारों तरफ तो आपको मीडियम रेंज के बकरे ही नज़र आएंगे। हाँ, ये सारे मीडियम रेंज। हाँ, अमजद भाई अगर हम प्राइसिंग की बात की जाए तो इस बार क्या प्राइस ऑपरेट हो रहा है? इस बार जो हमारा प्राइस है वो हमने दो रेंज रखा है, एक अंडर 50 जो है वो हमने 430 का रखा है, 430, और हाँ अबाउ 50 to 70 के जो रेंज है उसका हमने 460 का रेंज रखा है। अच्छा, तो इसमें कोई भी ब्रीड रहा वो 430 रहेगा, अंडर 50 रहेगा। हाँ, इसमें इसमें सब मिक्स है, आपको गुजरी भी मिलेंगे, सिरोही भी मिलेंगे। तो कुछ छोटे बकरे देख लेते हैं हम लोग पहले स्टार्ट में। हाँ बिल्कुल, किलो के आसपास की। फैजान ये बकरा देखो, वो ब्लैक वाले निकालो, सामने खड़ा है। हाँ, वो माशाल्लाह अच्छा जानवर है, एक चलेगा, भरा हुआ जानवर है। ये भी 50 के आसपास का है, ये लगभग 52 का है, 52 है, 50 है भाई ये, और माशाल्लाह तरफ से भरा हुआ है। हाँ, ये तो थोड़ा 55 है, कितना होगा भाई? ये भी 52 के आसपास का ही होगा, 50-52 के रेंज का है। हाँ, ज़्यादातर आपको जानवर इसी रेंज में मिलेंगे, 50-55 के रेंज में ही है ये जानवर है। ये भी 47-48 का होगा जी। हाँ, इसमें ऑलमोस्ट सब वही रेंज, सब सारे वही रेंज के हैं। कुछ जो हमने बड़े जानवर सेग्रीगेट करके हमने उस वाले बाड़े में डाले हैं। Okay. यहाँ पर आपको कुछ बड़े बकरे मिल जाएंगे 65 के रेंज के। इस तरफ फैजान, वो बड़े बकरों को निकालो थोड़ा। अमजद भाई ये जो छोटे बकरे हैं अपने, हाँ, छोटे बकरे का अगर काउंटिंग किया जाए तो ये कितने नंबर्स ऑफ गोट? ये लगभग एट प्रेजेंट हमारे बाड़े में जो है 160 बकरे खड़े हैं। अच्छा, छोटे बकरे जो हैं। अच्छा, हाँ, जो कि 60 के बिलो 60 के बकरे, हाँ, बिलो 60 के हमारे पास 160 बकरे हैं अभी भी। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये, जैसे मार्केट का वैक्यूम है उस हिसाब से। हाँ, 160 गोट्स छोटे, बहुत अच्छी बात है, एक मीडियम रेंज बोला जाएगा। हाँ जी, और ये भी सिलेक्शन आप लोग ही जाके किया आपकी टीम? हाँ, ये हम और हमारी टीम ने जाके सेलेक्ट किया है जी जी। हाँ, अच्छा, अब कुछ मीडियम रेंज भी उससे बड़े देख लेते हैं हम लोग। कुछ बड़े बकरे ये देखो, ये एक हमारे पास ये है, ये है, ये लगभग 67-68 केजी इसका वेट है। ये 60-70 के आसपास का है। ये एक अंडुल है, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी हाइट में भी है। हाँ, हाइट अच्छी है जी जी। ये भी है 70+70, ये 74 का है, 74 का है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये सोजत में भी इधर अवेलेबल है। कुछ और खूबसूरत देखते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत है अगर छोटे बकरे की बात की जाए तो। हाँ, ये वाला देखें अमजद भाई, इसका क्या पकड़ सकते हैं वेट? इसका वेट होगा लगभग 54 के आसपास। तो ये बिलो 60 में, मतलब इसमें है ना? हाँ, हाँ, सब उसी रेंज में, 430 की रेंज में, 430 के रेंज में ये बकरा मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत बकरा ये, बहुत ही अच्छे फ्रेम में है, एक बजट बकरा जिसको बोला जा सकता है। अमजद भाई, इसमें कुछ उम्मीद होगी और कुछ होने का निगोशिएबल थोड़ा बहुत? देखो, हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं हम उनको नाराज़ करके नहीं बेचते हैं, इंशाल्लाह हम जबान ज़रूर रखेंगे उनकी। अच्छा, हाँ, लेकिन एक बहुत ज़्यादा गुंजाइश तो मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने रेट अपना एकदम बेस रेट पे ही रखा हुआ है। ओके, हाँ, तो थोड़ा बहुत हो सके, बहुत ज़्यादा निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हम जबान रखते ही हैं।
अच्छा अलहमदिल्ला बहुत अच्छी बात है, और कलेक्शन भी आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है अलहमदिल्ला। ये भी एक मीडियम रेंज का आप लोग देख सकते हो। हेलो देखो कितना प्यारा बच्चा है। हाँ 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 ऐसे पकड़ो भाई। हाँ हाँ किया हूँ किया हूँ। आवाज़ आएगी आप? हाँ ये माशाल्लाह देखो ये काफ़ी अच्छा जानवर है। एक ये है इसको खड़ा करो। ये भी बहुत भरा और बहुत खूबसूरत बच्चा है ये, थोड़ा कचला है ये। हाँ ये एक जानवर है, ये जो तीन थे 50 kg के आसपास के थे, ये एक बड़ा आ गया बीच में माशाल्लाह। ये अंडुल है माशाल्लाह। ये भी 60 के आसपास होगा आमजद भाई? ये लगभग 59-60 तक है। 59-60 के आसपास में होगा, और एज पर एक्चुअल जो भी वेट होगा हम उस पर से। हाँ जी जी। आपने कहा था कि कुछ बड़े बकरे आपने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। हाँ वो हमारे उस बाड़े में है, हम वहाँ जाकर फॉर सेल के लिए। हाँ सेल के लिए है, उसमें कुछ तो सेल हो चुके हैं। अच्छा, और एक 7 से 8 बकरे हमारे अभी भी हैं जो अच्छा, बचे हुए हैं। तो अपने पास से कोई बकरे लेता है तो यहाँ रख सकता है? हाँ बिल्कुल। तो उसका क्या चार्जेस हो जाएगा? उसका हम देखो छोटे और बड़े बकरों का कुछ अलग नहीं रखा, हम पर डे 50 rupees पर बकरा लेते हैं। 50 rupees? हाँ बहुत ही रीजनेबल है। तो ये तो अब तक का सब में रीजनेबल प्राइस मिला है। इसके पहले अलहमदिल्ला 70 rupees मुझे मिला था, मैंने कोई वीडियो में कहा था, और 50 rupees बहुत अच्छा मिला ये। हाँ जी जी बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ अच्छा अलहमदिल्ला हमारे पास स्पेस काफ़ी है, तो हमने ये फैसिलिटी दी हुई है हमारे कस्टमर्स को। हाँ ये बड़ा तो अभी भी खाली पड़ा है, इतना बड़ा माशाल्लाह। और कुछ देखिए, हम बड़े बकरे देखें। हाँ बड़े बकरे देख लेते हैं। अमजद भाई इस बाड़े के अंदर हैवी गोट से जो आप बता रहे हैं, हाँ तो ये जिसको मतलब पट्टी दी गई है वो सेल हो, वो सेल हो चुके हैं। इसमें कुछ कुछ एक 8 से 10 जानवर अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। ये काफ़ी खूबसूरत ये है और अच्छी हाइट में भी है माशाल्लाह। एक ये भी है, ये बचा हुआ है, बहुत ही चौड़ा है, गला पट्टी देख सकते हैं, बड़े फेस में है, सीना वगैरह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसका क्या वेट होगा भाई? इसका 82 है। 82 है, ये अपने अंदर ही नापा गया है। हाँ जी जी। ये एक बकरा है, ये है 73 का। ये 73 का है। हाँ एक हमारे पास वो है अभी वाइट, इसको इधर लो आरिफ, सामने लो, पीछे से, पीछे से लो। हाँ ये छुपा हुआ था, निकलने के बाद अमजद भाई और खूबसूरत लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा है। ये भी होगा 65-70? ये 70+ है, 73 प्लस में। हाँ। माशाल्लाह क्योंकि भरा हुआ है, भरा हुआ है, काफ़ी भरा हुआ है। हाँ। क्लोज देखा जाए इसको, और ये बड़े बकरों का क्या वेट बताइए, नक पर है या वेट पर? वेट पर ही है। बड़े बकरों का जो ये 70+ जो बकरे हैं हमारा, उनका हमने प्राइस रखा है 480 का। 480 नेगोशिएबल है थोड़ा बहुत, इसमें हाँ। भी हो सकेगा तो जो हाँ। कर देंगे। और अभी इंशाल्लाह आज और कल के रिस्पांस के ऊपर है, हमने अभी प्लान करके तो रखा है, लेकिन हमने फाइनली अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है नया लॉट मंगाने का। अच्छा आज और कल में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इंशाल्लाह हम और भी एक लॉट हमारा और मंगाने का प्लान है इंशाल्लाह, वो भी आ जाएगा। हाँ जी जी। पहले का भी आपका जो वीडियो चले थे, हाँ हाँ कस्टमर रिव्यू अच्छा आया आपका। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिव्यू मिला, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था काफ़ी। अच्छा हम जैसे बकरे तो हमने देख लिए, एक बार ये लोकेशन बता दीजिए ना, कहाँ कैसा आना है? ये लोकेशन है शिल फाटा सर्कल के पास, एक फाउंटेन होटल है जी, फाउंटेन होटल के अपोजिट में ये पड़ता है, बच्चन कंपाउंड कहते हैं इस जगह को। ओके हाँ बच्चन कंपाउंड। हाँ बच्चन कंपाउंड के पास आएंगे तो हमारा रिच फार्म का बड़ा सा एक बैनर लगा हुआ है, आपको इजीली मिल जाएगा। ओके और यहाँ आने का कोई टाइम है देखने? यहाँ आप मॉर्निंग 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ जजाकल्लाह खैर। आपका नंबर बता दीजिए फिर। नंबर है कॉन्टैक्ट करने के लिए 9892-639-130। हाँ आप इस नंबर पर रब्ता करके कभी भी आ सकते हैं। शुक्रिया भाई, जजाकल्लाह खैर। दोस्तों आपने देखा है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है, जो कोई भी लेने में इंटरेस्टेड है आ जाइए, और बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं। शायद वीडियो में इतना अच्छा समझ में नहीं आता है, सामने देखोगे तो इंशाल्लाह आपको ये लॉट बहुत अच्छा लगेगा।
और इंशाल्लाह इनका नेक्स्ट लॉट भी आएगा तो आप अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।